महाराज कैयर बाल बाटी लगा लो ग्रहण बिना बाटी के कैसे भरी जाएगी बाल बाटी लगाओ अच्छा पीछे घूमो पीछे घूमियो पीछे घूमो अरे यार महाराज बाल बाटी लगा ले अब घूमियो आगे मुंह कर लियो मुंह आगे कर लियो हाँ महाराज महाराज हवा रुक ना रही क्या बात हो गई बाल बाटी खराब हो गई तो महाराज अब हम क्या करें बाल बाटी दुबली डालो जो आ गया महाराज तुम्हारो राज्य लग गई बस महाराज भरी गई भरी गई चलो तो देवधनुष बोल वृंदावन बिहारी लाल की आया नीचे महाराज तोड़ो धनुष सब लोग धनुष टूटना तो बहुत बड़ी बात थी धनुष तिल भर भी किसी राजा महाराजा ने नहीं हिला पाया तो इधर सीता जी सैनियों को लेकर के रंगभूमि में पहुंची हैं तो सीता की छवि को देख करके नर व नारी मोहित हुए श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित आज बताया गया है विश्वामित्र राम व लक्ष्मण बैठे हुए थे बड़े बड़े वीर बहादुर पहलवान धनुष तोड़ने के लिए और धनुष तोड़ना तो बहुत बड़ी बात थी एक तिल भर भी किसी ने नहीं हिलाया और बताया गया है कि भो पैसा है सादा सा ये कहीं बारा धूप सहे से दस ये कहीं बारा लगे उठा बन कर रही नकारा कही वारा लगे उठावन तरही न तारा लगे उठावन तरही न लिख दिया अब राम दे बैठ गया तो कि 10,000 राजा अगर एक बार धनुष से लग जाए तो ये धनुष टूट जाएगा अब चल बाबा तुम जमाई ले आया अब भैया तुम्हारे नदी मोह सीता विचार करने की बात है भगवान शंकर के धनुष में वो करामात थी जितने भी वीर पहलवान धनवान लग जाया करते थे उतना भारी लंबा चौड़ा हो जाया करता था धनुष तोड़ना तो बहुत बड़ी बात थी धनुष नहीं हिला सके और जब धनुष नहीं हिला सके तो महाराज जनक ने देखा कि बड़े बड़े राजा महाराजा अगर धनुष को नहीं तोड़ पाए तो जरा जरा से राम लक्ष्मण धनुष तोड़ना क्या जानेंगे और कहने लगे सभा के लोगों
सभा के लोगों,